अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अबे मने बता के लगन मालिक। हाँ बोल शू छे। जी वो आपसे बात करनी है। हमड़ा काम मा छू, बाद में बात करते जा। मालिक बहुत जरूरी बात है। बोल शू छे। मालिक वो कादम मेरी बहन। हाँ मेघना बोल। अच्छा वो अपनी बहू के लिए मैंने लाल घर चोला भिजवाया है, उसे दिखा दो। अरे मेघना ये स्त्रियों वाली बात है, मेरी समझ में नहीं आएगी। अच्छा ठीक है, भाभी को फोन दे दो, मैं उन्हें समझा देती हूँ। आओ भीरे, यही है ले। अरे वो कंकोत्री नी सैंपल आवी क्या? हाँ मोटा भाई आ गए, नीचे ही हैं। चल पछे। हेलो भाभी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण मेघना बहन। अच्छा अब हम मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने अपनी बहू के लिए लाल घर चोला भिजवाया है, तुम उसे दिखा दो, अगर उसे वो रंग पसंद नहीं होगा मैं दूसरा भिजवा दूंगी। पूछ लूँ। और जमाई राजा कैसे? बिल्कुल ठीक है, अभी लंदन में ही है, शादी के एक दिन पहले आएगा। अच्छा मैं रखती हूँ, बहुत काम है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मेरे डैड इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। अगर हम कुछ नहीं कर सके तो ये सब कुछ छोड़कर मेरे साथ भागोगे? हमारी शादी होगी किट्टू, फिर चाहे तुम्हारे डैड की मर्जी हो या ना। अब क्या करूं? एक बार कादंबरी बहन से बात करती हूँ। क्या हुआ कादंबरी बहन, आप रो क्यों रही है? उस सबसे तुम्हारा क्या मतलब? यहां से मेरे परिवार के लिए है और उसका हिस्सा तुम नहीं हो। जो परिवार के लिए आंखों में आंसू, तो आप ऐसा काम क्यों करने जा रही हैं जिससे उनकी आंखों में आंसू आ जाए? What? मतलब क्या है तुम्हारा? आप ऐसा नहीं कर सकते कादंबरी में, आप संदीप भाई के साथ नहीं भाग सकती। अच्छा तो तुमने फिर से हमारी बातें सुनी, बाज नहीं आओगी ना तुम अपनी आदतों से? लगता है तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें सिखाया नहीं कि किसी की बात ना ही चुप कर सुनते हैं और ना ही किसी के निजी मामले में दखल देते हैं। जाओ अपना काम करो। अपना ही काम कर रही हूँ, इस परिवार के सदस्य होने के नाते मेरा एक कर्तव्य है कि मैं आपको कोई भी गलत काम करने से रोकूं, इससे हमारे परिवार की बदनामी होगी, मालिक का अपमान होगा, आप उनके बारे में नहीं सोचेंगे। मालिक आपसे बहुत प्यार करते हैं। प्यार? इस घर में कोई नहीं जानता कि प्यार क्या होता है। इस घर के लोग सिर्फ हुक्म देना जानते हैं या फिर सिर झुकाकर उसे मानना। ये घर मेरे डैड के डर की परछाई में पलता है और जहाँ डर हो वहाँ प्यार के लिए कोई जगह नहीं। पर मैं तुम्हें ये सब क्यों समझा रही हूँ? तुम्हें क्या पता प्यार क्या होता है? ना कभी किया ना महसूस किया, फर्नीचर की तरह तुम्हें इस घर में लाकर पटक दिया गया। तुम्हें जो रिश्ते मिले वो निभाने के लिए नहीं मिले, बंधने के लिए मिले हैं, बेड़िया बनकर। तुम्हारे लिए रिश्ते सिर्फ दिखावा है। और कौन से रिश्ते की बात कर रही हो तुम? कभी ऐसा दिन आया कि डैड घर में जल्दी आए हो सिर्फ तुम्हें खुश देखने के लिए? अरे तुम पति को पति नहीं मालिक मानती हो, और मैं किसी की पत्नी बनना चाहती हूँ, किसी को अपना मालिक नहीं बनाना चाहती, रिश्ता बनाना चाहती हूँ अपना उससे। एक रिश्ते के लिए आप बाकी सारे रिश्ते छोड़ देंगी कादंबरी बहन? कल मालिक मालकिन की तस्वीर के सामने खड़े रहकर रो रहे थे कि आप थोड़े दिनों में ही चली जाएंगी। आपकी नानी ढेर सारी चीजें इकट्ठा कर रही थी आपको देने के लिए। घर में हर कोई कितना प्यार करता है आपसे, अगर आप घर छोड़कर भाग जाएंगे
तो उनका क्या होगा? सबका दिल टूट जाएगा टूटे रिश्तों पर। अब अपना घर बना पाएंगे कादम्बरी बहन? टूटे रिश्ते, इस घर में रिश्ते है कहाँ? जो डैड कल मेरे लिए रो रहे थे, अगर मैं उन्हें मना कर दूं, इस शादी के लिए इनकार कर दूं, तो कल से वो मेरा मुंह देखना बंद कर देंगे। वो मुझसे प्यार करते तो वो मेरी भावनाओं को समझते, अपने वादे के बलि पर नहीं चढ़ा देते मुझे। प्यार तो सिर्फ मेरी माँ करती थी मुझसे, लेकिन उनके जाने के बाद ना कोई मेरे आंसू पोंछने वाला बच्चा और ना ही मेरी बात सुनने वाला। ऐसा मत कहिए कादम्बरी बहन, आप मुझसे अपने मन की बात कहिए, मुझे बताइए, मैं आपकी हर बात सुनूंगी। क्यों क्यों सुनोगी तुम मेरी बात? जब मेरे डार मेरी बात नहीं सुनते तो तुम मेरी बात क्यों सुनोगी? होती कौन हो तुम मेरी माँ? माँ 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 जम सही ना सही, एक बंधन के हिसाब से ही सही, उम्र से ना सही, पद के हिसाब से ही सही। मैं तुम्हारी माँ लगती हूँ। जिस बंधन में बंद कर आई थी तुम, उसे निभा न सकी, मेरे डैड की बीवी नहीं बन सकी। माँ बनना चाहती हो तुम मेरी? माँ अपने बच्चों को अपनी गलतियां नहीं दिखाती, बल्कि उन्हें सही मंजिल तक पहुंचाती है। जब मैं क्लास में पहली बार फेल हुई तब मेरी माँ को इस बात की फिक्र नहीं थी कि लोग क्या सोचेंगे, बल्कि उन्हें इस बात की चिंता थी कि मेरे मन पर क्या बीत रही है। साल भर लगा दिया उन्होंने मेरे साथ, इस तरह उन्होंने मेहनत की जैसे एग्जाम मेरा नहीं उनका हो। आज मेरी माँ होती तो तुम्हारी तरह मुझे लेक्चर नहीं देती रिश्तों पर, बल्कि मेरे साथ खड़ी होती, रिश्ता निभाती। वो बोलो दे पाओगी तो मेरा साथ, मेरी खुशी मेरा प्यार मुझे मिल जाए, इसलिए मेरी माँ तुम्हारे मालिक के साथ क्या पूरी दुनिया से लड़ रही थी। वो सबको समझा कि मुझे मेरी खुशी पर हक है, तुम लड़ पाओगी मेरे लिए, दे पाओगी तो मेरा साथ? नहीं ना, माँ बनने चली हो। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि माँ का औहदा तुम्हारे मालिक से बड़ा होता है, और तुम मुझे भागने से रोकोगी? अरे अगर तुम्हें आज मौका मिलता तो तुम भाग जाती, चाहे किसी लड़के के साथ या उस जिंदगी के साथ जो तुमने चाही और तुम्हें नहीं मिली। माँ अपने बच्चों को अपनी गलतियां नहीं दिखाती, बल्कि उन्हें सही मंजिल तक पहुंचाती है। छोटी सी छोटी बात पर मुझे डांट देती थी, लेकिन मेरी इच्छा पूरी करने के लिए बड़ी से बड़ा काम करती थी। माँ अपनी तरह मुझे लेक्चर नहीं देती रिश्तों पर, बल्कि मेरे साथ खड़ी होती, रिश्ता निभाती। वो बोलो दे पाओगी तो मेरा साथ, मेरी खुशी मेरा प्यार मुझे मिल जाए, इसलिए मेरी माँ तुम्हारे मालिक के साथ पूरी दुनिया से लड़ रही थी। वो सबको समझाती कि मुझे मेरी खुशी पर हक है, तुम लड़ पाओगी मेरे लिए, दे पाओगी तो मेरा साथ? अरे अगर तुम्हें आज मौका मिलता तो तुम भाग जाती, चाहे किसी लड़के के साथ या उस जिंदगी के साथ जो तुमने चाही और तुम्हें नहीं मिली। क्या सोच रही हो?
सोच रही थी कि औदा फैसला लेना कितना कठिन बना देता है। एक निर्णय हम अपने नजरिए से लेते, दूसरे के नजरिए से देखा जाए तो वही निर्णय गलत लगने लगता है। मैंने बचपन में अपनी माँ खो दी, इसलिए कभी जान नहीं पाई कि एक माँ क्या होती है, उसके कर्तव्य क्या होते हैं, उसके निर्णय क्या होते हैं। और आज मुझे होता ने माँ बना दिया है, तब लग रहा है कि माँ बनकर फैसला करना कितना कठिन होता है। एक तरफ बच्चे की खुशी है तो दूसरी ओर दुनिया की रीत। सही कहा तूने, पर बेटा जब सब हमारे विरुद्ध हो तो मन की सुननी चाहिए। मन कहे कि तुम सही हो तो हवा के विरुद्ध जाना पड़े तो भी जाना चाहिए, क्योंकि मन से आई आवाज भगवान की होती है। इसलिए तुम जो भी फैसला लोगी वो सही होगा। ये मैं जानता हूं कि तुम कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोच सकती, इसलिए तुम जो भी फैसला लोगी सही लोगी, कोई देखे ना देखे। मगर मैंने हमेशा तुझमें मेरी बेटी सुभद्रा पाई है, वो भी हमेशा अपने मन की सुनती थी। संतु बेटा, कोई परेशानी हो तो बता देना, हो सकता है मैं तेरी मुश्किलें काट न सकूं, मगर तेरे मन की बात जरूर लूंगा। बापू जी, आपने मेरी मुश्किल काट भी थी और पाठ भी थी, मुझे समझ आ गया मुझे क्या करना है। फिर से समझ में नहीं आता क्या तुम्हें? समझ आ गया, इसलिए तो यहाँ आई हूँ कादंबरी। क्या कहा तुमने? कादंबरी, अब से मैं तुम्हें इसी नाम से पुकारूंगी। मतलब तुम्हें अभी कहा था ना कि अगर तुम्हारी माँ होती तो क्या करती। चाहे तुम मुझे अपनी माँ मानो या ना मानो, मैं वही करूंगी जो तुम्हारी माँ करती। उसी नाते मेरा एक कर्तव्य है कि मैं तुम्हारा साथ दूँ। अगर तुम्हारी माँ होती तो तुम्हारी हर इच्छा पूरी करती ना, तुम्हारे लिए सबसे लड़ पड़ती ना, सबको समझाती ना। ठीक है, मैं भी सबसे लड़ूंगी, चाहे जिससे मुझे लड़ना पड़े, सबको समझाऊंगी, तुम्हारा साथ दूंगी। मैं तुम्हें संदीप भाई से मिलवाऊंगी। कहना बहुत आसान है, जो लड़की अपने मालिक की एक नजर से कांप जाती है, जो उनकी नजरों के सामने अपनी नजर नहीं उठा पाती, वो क्या खड़ी होगी उनके सामने? चाहे जिसके भी सामने मुझे खड़ी होना पड़े, मैं खड़ी रहूंगी। मैं मालिक से बात करूंगी, संदीप भाई से बात करूंगी, और तुम्हारा लग्न उसी से करवाऊंगी जिसे तुम चाहती हो। ये वचन है मेरा।
अरे अरे रुक रुक रुक, यहाँ कहाँ जा रहा है, वहां जाके रख। संतुड़ी, सब लोग काम कर रहे हैं ना, तुझे नहीं लग रहा कुछ काम किया जाए? मालकिन बन के खड़ी रहोगी यहाँ पे हाट से? हा? जा जाके आंगन साफ कर, मेहमान आएंगे तो क्या कहेंगे, नहीं तो है ना। हाँ बिन, केम बिनाकिन केम छे? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ बापूजी बोलो। धर्मराज, पूरी लिस्ट तो मैंने देख ली है, सबको कंकोत्रिया पहुंच गई है, लेकिन जिनको भूल गए थे उनकी ये बनाई है, उनको पहुंचानी है। पर तूने संतु के नाना जी माधो सोलंकी को कंकोत्री नहीं भेजी? कोई आवश्यकता नहीं है, समय मिला तो शंभू दे आएगा, वैसे उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं मोटी बहन, कंकोत्री तो जाएगी। बापूजी, मैंने जान के नहीं भेजा है अभी तक। माधो सोलंकी ने अपने हितेन को महियावंशी परिवार की विरासत संभालने के लायक बनाया ना, मेरा धर्म बनता है कि मैं पोते जाऊं उसको कंकोत्री देने। मैं जाऊंगा ना तो गांव वालों को भी दे दूंगा, बराबर ना? ये छोकरी, कंकोत्री तो मैं दे दूंगा, पर अपनी बहन को बोलना कि घर में प्रसंग है, आवे ना तेरा हाथ बटावे, समझी गई ना? जी। श्री जी बाबा की कृपा से कादंबरी श्री एवं श्रीमती धर्मराज माहिया वंशी की सुपुत्री का शुभ विवाह शुक्रवार तथा। कादंबरी की शादी का कार्ड आपके पास कैसे? मिस्टर मायावंशी ने दिया आपको? नहीं बेटा, ये डायमंड एसोसिएशन में पड़ा था, मैं ले आया तुम्हें दिखाने के लिए। मतलब? ये कार्ड छप गए हैं, बट गए, मतलब अब ये बात हर जगह फैल गई है इस रिश्ते की। सोच रहा हूं अब अगर ये शादी टूट गई तो कितनी बदनामी होगी धर्मराज मायावंशी की। अब अगर मैं कादंबरी को लेकर भागा तो मिस्टर मायावंशी किसी को भी अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। और यही तो आप चाहते थे ना पापा? बेटा, एक बार तू कादंबरी को भगा के ले जा, फिर हम धर्मराज से सौदा करेंगे और अपनी इज्जत के बदले कुछ भी दे सकता है धर्मराज माहियावंशी। हाँ तो ठीक है ना, मैं अभी कादंबरी को लेकर भागा। ना 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 बेटा, ना नहीं, आज मौका अच्छा नहीं है। धर्मराज की बदनामी तो तब ज्यादा होगी जब पूरे गांव वाले वहां मौजूद होंगे। वो धर्मराज जिसने आज तक किसी के सामने अपने हाथ नहीं फैलाए, वो तुम्हारे सामने अपनी पगड़ी रखकर खिड़खिड़ाएगा। बेटा, कल से शादी की रस्में शुरू हो रही है और तुम्हें भागना है शादी के दिन सुबह। बेटा, कादंबरी तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही होगी, फोन करो उसे बेटा, फोन करो। श्योर डैड। हाँ बोलो संदीप। कादंबरी, मैंने डैड से बात कर ली है और उन्हें रिश्ता स्वीकार, वो हमारी मदद करेंगे। और डैड का कहना है कि अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि हम भाग के शादी कर ले। ठीक है, हम आज ही भाग जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, आज हम तुम्हारी शादी वाले दिन भागेंगे, क्योंकि तुम्हारे पापा का ना सही लेकिन मैं अपने डैड का आशीर्वाद हमारे साथ जरूर चाहता हूँ। मेरे डैड कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं और वो तुम्हारी शादी तक लौट आएंगे और उसी दिन हम भागेंगे। हाँ, पर ये सब अगर दो दिन पहले हो जाता तो? अब सब कुछ हमारे हिसाब से तो नहीं हो सकता ना कादंबरी? तुम चिंता मत करो, क्योंकि मिस्टर अविनाश चौधरी का साथ कोई छोटी मोटी बात नहीं है। चलो अब रखता हूं,
ओके बाय। मतलब संदीप है मेरे पिता के साथ मिलकर मालिक और कादम्बरी बहन को फंसाना चाहते। संदीप भाई प्यार का नाटक करके कादम्बरी बहन के साथ विश्वासघात कर रहे हैं।